पड़ोसियों ने नाबालिग का अपहरण करके सामूहिक दुष्कर्म किया है। घटना के बाद घर में घुसकर ती परिवार को जान से मारने की धमकी। जिला के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि पीड़ित के पड़ोस में रहने वाले दो युवकों ने मिलकर पहले अपहरण किया और फिर उससे सामूहिक दुष्कर्म की। इसके बाद पीड़िता को किसी से शिकायत करने पर जान से मार डालने को धमकी भी दिया है। पीड़िता ने बताया है कि 3 अप्रैल को वो अपने चाची के घर से अकेले अपने घर लौट रही थी। रास्ते में पड़ोस के दो युवकों ने उसे पकड़ लिया और जबरन पास के खेत में ले गए। शोर मचाने पर उसका मुंह दुपट्टे से बांध दिया, फिर दोनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और धमकी देकर भाग निकले। आपको बता दें कि घटना के बाद नाबालिग ने शोर किया तो चाचा माँ समेत अन्य स्वजन मौके पर पहुंचे। घटना की प्राथमिकी दर्ज कराने जाने के दौरान स्थानीय पूर्व सरपंच ने उन्हें रोक दिया है और सामाजिक स्तर पर फैसला करने का भरोसा दिया है। लेकिन बीते 3 अप्रैल की घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद पूर्व सरपंच सामाजिक तौर पर आरोपितों को दंडित नहीं करा सके। उल्टे आरोपित अपने स्वजन के साथ 6 अप्रैल की शाम नाबालिग के घर पर आकर धमकी दी और गाली गलौज करते हुए थाना जाने पर सब परिवार परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। शुक्रवार को पीड़िता स्वजन के साथ थाने पहुंची और दो युवकों पर दुष्कर्म की नामजद शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने तत्परता दिखाई है और एक आरोपित अमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दूसरे की तलाश की जा रही है। पीड़िता ने अपने परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की भी मांग की है।